वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर। मैं आपका लखेरा कोचिंग सेंटर स्वागत करता हूं। और आज हमारी क्लास नंबर 10 है, ठीक है। 12th आपको जैसे पता है कि 3.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, जिसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, ठीक, थोड़ी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, या फिर एक कह सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं उसका बेसिक लगा लो। जिसको ये नहीं आता होगा वो आगे नहीं कर पाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, बड़ा इजी है, ठीक है। इसकी नोटेशन देख लो। अगर सपोज करो कोई मैट्रिक्स ए हमारे पास, सपोज करो अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो उसका हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। कैसे निकालोगे, सपोज करो मेरे पास ए मैट्रिक्स कोई गिवन है, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं उसको नोटेशन दूंगा ए डैश, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद करना क्या है स्टूडेंट कि इसमें होता क्या है, मैं सुन लो पूरी बात। अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है, अगर सपोज करो यहाँ पर रो है, ये कॉलम, ये रो है, सपोज करो रो है, ठीक है, रो है, तो यहाँ पर आकर वो क्या बन जाएंगी, दिमाग में बस ये तुम इमेज रख लेना और कुछ नहीं करना, ये सारी क्या बन जाएंगी, कॉलम बन जाएंगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्रांसपोज है। ये अगर मेरी ए मैट्रिक्स है तो ये डेफिनेटली श्योर हुई ए ट्रांसपोज होगा उस मैट्रिक्स का, ठीक। ये था बेसिक, कहोगे भैया ये क्या बोल दिया आपने। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्वेश्चन के थ्रू आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवा दूंगा ये चीज कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। वैसे बस बेसिक इसका यही है कि अगर यहाँ पर रोज है तो वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। डन, चलो फिर स्टार्ट करें। 3.3 ओपन कर लो स्टूडेंट सारे, क्योंकि 3.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रहा हूँ तुम्हें। 3.3 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, और ये पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा आपके बोर्ड पर, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, लिख दिया मैंने 5 1/2 -1, ठीक है। ये सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक, ए मैट्रिक्स है, इसका ए ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। तो क्या करना है, ये सारी कैसे है, ये रो में है, ये भी रो में है, ये भी रो में है, तो सारी क्या आ जाएंगे, कॉलम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बड़ा इजी क्वेश्चन था। सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट ये रहा आपकी बोर्ड पर, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 1 2 -1 3। सपोज करो ये आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या करना है स्टूडेंट आपको, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दो। क्या कर दो, कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 1 -1 2 और 3 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे फिर, ठीक, समझ आ गया। अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो भाई बोर्ड पर थर्ड क्वेश्चन आ चुका है आपका, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट ट्रांसपोज निकालना है। -1 √3, ठीक, 2 3 -1 5 6 5 6, डन। इसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोज में चेंज करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब आंसर। अगर सपोज करो ये ऐसे है तो इसको ऐसे लिख दूंगा, -1 5 6। अगर ये ऐसे है तो ये आ जाएगा √3 5 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 3 -1, ये आ जाएगा आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो बड़ा इजी था। इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिस जिस भाई बंधुओं को वीडियो अच्छी लगती है वो वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सकता है शेयर कर दिए जितने भी 12th के स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट के साथ, ठीक है। अगला जो टॉपिक आएगा बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, बहुत टीचरों से तुम्हें वो समझ में भी नहीं आएगा, माइनर कोफैक्टर निकालना, और इसी एक्सरसाइज का 7th 8th क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। हो सके तो आज करा देंगे, नहीं तो अगली वीडियो में तो कन्फर्म आ ही जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल मैट्रिक्स है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। चलो भाई इस क्वेश्चन से पहले इसकी एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है वो सुनना, ठीक। कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की। अगर सपोज करो ट्रांसपोज की मैट्रिक्स, मैं प्रॉपर्टी है ना क्वेश्चन से ही कराऊंगा, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप इसके सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, 3.2 का, 3.3 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन आपके पास, मैं लिख रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन आपके पास एक कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, मैट्रिक्स है -1 5 -2 1 1 7 9 2 3, डन। इसके बाद बी मैट्रिक्स हमारे को, बी मैट्रिक्स दे रखी है क्या, -4 1 1 3 2 1 0 -5 1,
डन, ये हमारे को दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इसको वेरीफाई करना है हमें कि ए प्लस, देखो एक ये प्रॉपर्टी ही है, अगर कोई ए प्लस बी को मैं ऐड कर उसका ट्रांसपोज करूं, क्या वो इसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, ये प्रॉपर्टी भी है और ये हमें यहाँ पर प्रूफ भी करनी है। तो स्टूडेंट देखते हैं प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कैसे। देखो सबसे पहली बात, ए और बी को ऐड कर लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, इसको रब कर देता हूँ, पता तो लग ही गया है क्या निकालना है, यहाँ लिख देता हूँ एक बार मैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं, इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं, निकाल रहा हूँ ए प्लस बी, तो क्या होगा, -1 -4, तो क्या हो जाएगा, -5, 5 + 1 6, -2 -1 -2 + 1 तो -1, 2 1 3, ठीक है, 7 2 9 1 3 4, ठीक है, 3 यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 2, यह आ गया हमारे पास ए प्लस बी। अब बोला है इसका ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज मैं निकालता हूं, देखना ए प्लस बी का ट्रांसपोज, सपोज करो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ये क्या है, रो के अंदर है, तो इनको कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, -5 3, -2 6 9 9, -1 4 2, ये आ गया हमारे पास ए प्लस बी। अब बात करते हैं, ये तो मेरा इंडिविजुअल है, ठीक है, अब मैं अलग अलग निकालता हूँ, ए ट्रांसपोज अलग से निकालता हूँ, बी का अलग निकालता हूँ, तो सुनना मैं इसको रब कर दू, अब ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया ना पूरा कंप्लीटली, मुझे इसके इक्वल करना है राइट हैंड साइड, ठीक है, मैं इसको अब रब कर रहा हूँ स्टूडेंट। चलो भैया अब देखते हैं कि क्या बात आती है, देखो सबसे पहली बात, ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूं मैं, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज सुनना, ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, अब बी का ट्रांसपोज निकालता हूं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, ठीक, ये तो कुछ ज्यादा ठेढ़ा हो गया, ठीक है, अब करते हैं क्या, इसका ट्रांसपोज, ये ऐसे है तो ऐसे कर दो, -4 1, -5 1 2 0 1 3 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। इसके बाद अब इन दोनों को ऐड करना है, देखो ये क्या राइट हैंड साइड, इन दोनों को ऐड करके अगर इसकी इक्वल आ जाता है तो हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स A1 + B ट्रांसपोज इक्वल टू, ऐड कर रहा हूँ भैया, अब देख लेना क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, -1 -4 -5, ठीक है भाई, 2 1 कितना आ जाएगा, 3, 3 - 5 -2, 5 1 6, 7 2 9, 9 0 9, -2 -2 1, तो -1 1 3 4, 1 1 2, देखो यही सेम मैट्रिक्स है, क्या एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, अगर ये दूसरे के इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डन स्टूडेंट, एक बात और बता रहा था मैं, यही सेम टू सेम मैथ बीसीए के अंदर भी आता है भाई, बीसीए के अंदर भी आता है, ठीक है, और बीएससी का मैथ में भी कुछ कुछ यही कवर है, तो बीसीए का तो कंप्लीटली सिलेबस हो जाएगा इसके अंदर, तो जितने भी बीसीए के स्टूडेंट है वो भी आपस में शेयर कर लेना वीडियो को, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर इसका क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर है इसका, इसका सेकंड पार्ट करवाते हैं, ये भी एक यही ये वो है थ्योरम, याद रख लेना इसको, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा हरदम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। चलो भैया मैंने बोला था ना क्वेश्चन के थ्रू ही मैं प्रॉपर्टीज क्लियर करवा दूंगा, अलग से बेसिक कराने का कोई नीड है नहीं उस क्वेश्चन लिए, इसका अब सेकंड पार्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कर लेना। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं, बड़ा ही अरे मैट्रिक्स रद्द कर दिया, शिट, चलो कोई नहीं, यहां पर क्या है, ए माइनस बी निकालना है और उसका ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, दोबारा लिख लेते हैं भाई मैट्रिक्स, ठीक, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 5 7 9, -2 1 1 2 3, ये मेरी ए मैट्रिक्स आ गई, फिर बी मैट्रिक्स क्या होगी मेरी, बी मैट्रिक्स होगी मेरी, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, -4 1 1 2 3, ठीक है, 0 1, और ये आ जाएगा 1 और ये -5, ठीक है। चलो भैया अब बात करते हैं आगे, इस क्वेश्चन में कैसे करना है, ए माइनस बी निकाल लो, पहले क्या करो, ए माइनस बी निकाल लो,
ए माइनस बी निकालते हो आप, तो ए माइनस बी उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है, तो ए माइनस बी। देखो भाई मैं यहां पर ए माइनस बी निकाल रहा हूं, ए थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं, ए माइनस बी निकाल रहा हूं, ठीक है। तो गौर से देखेंगे स्टूडेंट, माइनस का वन, माइनस माइनस करना है ना, ए माइनस बी, तो माइनस का वन तो है ही और माइनस एक और लगा फिर माइनस फोर है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का फोर माइनस का वन, तो प्लस का थ्री, फाइव माइनस वन टू, माइनस टू माइनस वन माइनस का थ्री, टू माइनस वन वन, सेवन माइनस टू फाइव, वन माइनस थ्री माइनस का टू, थ्री माइनस ये आ जाएगा हमारा एट, सेवन माइनस नाइन नाइन, वन माइनस वन जीरो, ठीक है। अब इसका हम करते हैं ट्रांसपोज, इसका करते हैं हम ट्रांसपोज, एक बार चेक कर लेते हैं ठीक है कि कुछ गलती है कि नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। माइनस का वन, माइनस का फोर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऊपर आ गया आपका, आगे कहते हैं ठीक है, ये भी ठीक, वन भी ठीक है, ठीक है, एट थ्री माइनस माइनस प्लस एट भी परफेक्ट है। उसके बाद टू, इसमें आ जाएगा फोर, ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका फोर, फाइव माइनस वन क्या हो जाएगा आपका फोर आ जाएगा, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फाइव हो गया बिल्कुल ठीक है, ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा माइनस टू वन, ठीक है, थ्री और ये जीरो, ठीक। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज का मतलब ये है कि इसका मैं उल्टा कर दूंगा, इसका उल्टा करता हूं तो ये आ जाएगा मेरा थ्री वन एट फोर फाइव नाइन माइनस थ्री माइनस टू जीरो, ठीक। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अलग अलग का ट्रांसपोज करना है हमें, क्या करना है, अलग अलग का ट्रांसपोज करना है, तो कर लेते हैं भाई, ए का ट्रांसपोज करता हूं मैं, ए का ट्रांसपोज कर रहा हूं, देखते जाना, ये वाली एस हो जाएगी, माइनस वन टू थ्री फाइव सेवन नाइन माइनस टू वन वन, फिर मैं निकाल रहा हूं बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, माइनस फोर वन माइनस फाइव वन टू जीरो वन थ्री वन, इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अब माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस कर रहा हूं, देखना सेम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, माइनस का वन माइनस यहां पर माइनस फोर, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री प्लस का थ्री, ठीक है, टू माइनस वन वन, थ्री माइनस फाइव माइनस माइनस क्या हो जाएगा एट, ठीक है, फाइव माइनस वन फोर, ठीक है, फिर फाइव, फिर क्या आ जाएगा नाइन, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा जीरो, फिर क्या आ जाएगा माइनस का टू, और फिर क्या आ जाएगा माइनस का थ्री। देखो एक दूसरे के इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों प्रॉपर्टी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और ये प्रॉपर्टी परफेक्ट है, तो ये प्रॉपर्टी भी याद कर लेना, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब हम इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार फटाफट अच्छे से, ठीक है, चलो भैया अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जा रहे होंगे और बड़े इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा अब मैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व हो जाए, जब तक आप क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ लो, ठीक है, एक बार पानी पी लेता हूँ मैं भी। चलो भैया क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे पास कि ए ट्रांसपोज दे रखा है मेरे को, कितना, थ्री फोर माइनस वन टू जीरो वन, डन। देन बी हमें दे रखा है, बी दे रखा है खाली, नोट बी ट्रांसपोज नहीं दे रखा, मुझे लगता है शायद ये बुक में गलत है या फिर सही है, तो देखते हैं फिर, ठीक है, वेरीफाई करना है हमें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्या है ये प्लस में है, वही सेम है, सेम टू सेम, दोनों पार्ट एक जैसे करने हैं, ठीक है, बट इस बार हमें ए ट्रांसपोज दे रखा है, इस बार हमें ए नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए मैट्रिक्स निकाल लेता हूं यहां से, अगर मैं ए मैट्रिक्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, ये ऐसे है तो सारे सारे ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, थ्री बाई फोर माइनस वन बाई टू और जीरो वन, तो ये क्या आ गई मेरी ए मैट्रिक्स आ गई, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो देखो ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है, तो मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गई, बी आ गई, मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी करते हैं भाई, ए प्लस बी माइनस आप थ्री माइनस वन टू फोर फाइव, ये कितना आ जाएगा वन, ये कितना आ जाएगा फोर, ये कितना आ जाएगा वन, ये कितना आ जाएगा फोर,
ठीक है, अब बात करते हैं कि ठीक है ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हम डिक पोजन का। अब बात करते हैं, देखना भी वीडियो में फोकस है ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो गया, दोनों को ऐड करके आ गया, इसका ट्रांसपोज निकालना है मुझे। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये ऐसे है तो 2 1 1 5 4 4, तो मेरे पास मैट्रिक्स आ गई है ठीक है। ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड, क्या आ गया मेरा ये लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे निकालना है राइट हैंड साइड। देखो ए ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है, बी ट्रांसपोज निकाल लो बस। बी ट्रांसपोज क्या होगा, मैं बी ट्रांसपोज निकाल रहा हूं, बी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, बी का ट्रांसपोज -1 2 1 1 2 3, ये आ गया मेरा बी का ट्रांसपोज। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्या इसके इक्वल आ रहा है ये, चलो भाई चेक करते हैं, देखते जाना। मैं यहां पर निकाल रहा हूं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू, दोनों का ऐड कर रहा हूं डायरेक्ट, -1 3 कितना आ गया 2, दोनों का ऐड करा 1, दोनों का ऐड करा 1 ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 5, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 4, उसके बाद आ जाएगा हमारा 4 ठीक है। देखो एक दूसरे के इक्वल है, इट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी क्या है, कंप्लीट सही है ठीक है। इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे, ये बात क्लियर हो गई, ये वाली प्रॉपर्टी ये याद कर लेना भाई, जो जो रेड सर्कल में है ठीक, ये हमारा राइट हैंड साइड और ये मेरा है लेफ्ट हैंड साइड, डन। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर चलेंगे, थर्ड का सेकंड पार्ट, बट सम मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, बड़ा इजी है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आप ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो भाई क्या क्या चाहिए इसमें भी पहले देख लेते हैं एक बार। अरे यार फिर रब कर दिया, ए सही है ठीक है, ए बी भी सही है, बी ये भी सही है, तो ये कर देते हैं, ये कर दो सारा ठीक है, इन सब की नीड है दोबारे, यहां पर माइनस माइनस लगा देंगे सारे जगह ठीक है। तो देखो भाई अब दोबारा करते हैं, अब निकालना हमें यहां पर माइनस है और यहां पर भी क्या है माइनस है ठीक, और यहां पर क्या है बी, इसका निकाल ही लो अभी के भाई, किससे ही खत्म हो गई ठीक। तो इसका निकालेंगे तो -1 2 1 1 2 3 खत्म काम। अब करते हैं इन दोनों का माइनस कर दूंगा ट्रांसपोज निकालकर, इसको और इसको कर दो माइनस, क्या कर दो माइनस, नहीं, पहले इन दोनों को माइनस कर लो फिर उसका ट्रांसपोज करना है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर टेकिंग, क्या ले रहा हूं मैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में क्या ए माइनस बी निकाल रहा हूं मैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकालूंगा। तो पहले माइनस करते हैं, ए का है ए, मैं टिक लगा रहा हूं, देखो ए ये रहा और बी हमारा ये है, इन दोनों को माइनस करते हैं, करते रहेंगे देखना क्या आएगा। सबसे पहली बात 3 --4 4 -1 3 -1 -3 2 2 0 ठीक है, 0 -1 कितना आ जाएगा यहाँ पर -2, डन। इतनी फास्ट है, बड़ा इजी है इसलिए थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज ठीक। अब बात करते हैं इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, इसको क्या करेंगे 4 -3 -1 3 0 -2, क्या आ जाएगा ये, ये आ गई ए माइनस बी, ये मेरी क्या चल रही है लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे ये निकालना है, मेरे पास देखो ये भी है और ये भी है, बस डायरेक्ट दोनों को माइनस कर दो काम खत्म हो जाएगा। कहां करूं मैं, यहां लिख देता हूं ए ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, क्या आएगा देखना फटाफट, मैं लिख रहा हूं मेरे पास ए ये रहा, मैं टिक लगा रहा हूं उस उसको दिमाग में रखना बस, एक तो ये रहा और एक ये रहा ठीक है, देखना भाई 3 -1 कितना आ रहा है 4 ठीक है, -1 -2 -3 ठीक है, 1 -1 -1 ठीक 3 ठीक है 0, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 - का, वो भी दोनों एक दूसरे के इक्वल है देखना ठीक है, इक्वल है तो ये प्रॉपर्टी भी क्या है सेटिस्फाइड है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बड़े ही लेंथी क्वेश्चन है ठीक है, कोशिश करेंगे 30 मिनट की अप्रोक्स वीडियो हो, उससे ज्यादा भी ना हो ठीक है, फिर स्टूडेंट देखता नहीं है ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, मेरे हिसाब से अभी तो छोटी वीडियो बनी होगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास ए ट्रांसपोज देखा -2 3 1 2 ठीक है, उसके बाद बी देखा मेरे को, बी देखा -1 1 0 2, डन। इसके बाद मुझे निकालना है ए प्लस 2 बी का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज निकालना है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
ए बी, ये ट्रांसपोज ही है क्या? ट्रांसपोज है भाई। ठीक है, पहले इसको मैट्रिक्स बना लूं मैं, तो मैं इसका मैट्रिक्स बनाता हूं, तो क्या आएगा? माइनस का 2 3 1 2। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्या निकालना है मुझे? ए प्लस 2b निकालना है। ए को 2b में ऐड करना है, 2b में, ध्यान रखना। तो पहले इसको 2 को इंटू करूंगा साथ साथ में और ऐड करता चला जाऊंगा, देखना। माइनस का 2 प्लस 2 इंटू बी, मतलब माइनस का ही 2 है ये, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 4, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई मैं। ठीक है, माइनस का 4, 3 प्लस 2b, मतलब 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 6। तो ये क्या आ गया? इसका ट्रांसपोज निकाल लो। इसका ट्रांसपोज निकाल लूं मैं, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूं मैं। ए प्लस 2b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ठीक है, इन दोनों का ट्रांसपोज निकालता हूं तो क्या आ जाएगा? ये क्या है? ऐसे हैं तो माइनस 4 1 5 और 6। ठीक है, तो दैट्स ऑल, यही फाइंड आउट करना था आपको, डन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप। ठीक, अब जो ये प्रॉपर्टी है, ये भी जो 5th क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ये अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर। क्वेश्चन नंबर 5th की एक प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए बी का दोनों को इंटू करके ट्रांसपोज कर लो, या फिर दो उल्टा कर दो इसका। ठीक है, ध्यान रखना, बी ए कैसे लिखा है? जब हमने इंटू किया था तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल थे? नहीं थे, ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट। तभी देखो इसने बताया कि इसका ट्रांसपोज करोगे वो तब इक्वल होगा जब बी को ए से करोगे। अगर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करते तो इक्वल नहीं होता। ठीक है, बात सुनो भी। चलो भैया, मैट्रिक्स क्या रखी है वो देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैट्रिक्स है हमारे पास, ए इक्वल टू 1 माइनस 4 3। ठीक है, और बी दे रखा है हमारे को -1 2 1। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। देखो भाई, मार्कर में इंक डाल लेता हूँ थोड़ी सी फटाफट, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। शायद मुझे लगता है डोगी को मैथ पढ़ना, मैट्रिक्स पढ़नी होगी, बेचारे चिल्ला रहे हैं भैया हम भी। ठीक है, तो आ जाओ, हर चीज में एंजॉय करना सीखो बच्चों। आ जाओ, देखो भाई, ए इंटू बी करते हैं। ठीक है, बुला लेंगे उनको भी, बुला लेंगे, तुम्हारे भाई बंधु है मेरे को लगता है ऐसा। ठीक है, मैथ सबको पढ़ना है यार, मैथ बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ए भी निकालने हैं, ठीक है, ए भी निकालते हैं। अगर इसको इससे इंटू करते हैं तो देखो, इसको इससे इंटू करूंगा तो कितना आएगा? -1, फिर इसके साथ करूंगा तो कितना आएगा? 2, और इसके साथ करूंगा तो कितना आएगा? 1, सही है। ठीक, इसके बाद इस -4 को करूंगा तो प्लस का 4, इसको करूंगा तो 8, और इसको करूंगा तो 4। भाई इंटू सिखाया था, अगर नहीं समझा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरा पूरा, 3.2 जाके चेक कर लेना, और प्लेलिस्ट बना रखी है भाई 12th क्लास वालों तुम्हारी पूरी पूरी, तो 9 वीडियो लेक्चर डाल चुका हूँ, 9 के 9 देख लेना, और फिर उसके बाद मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आज इधर अब आगे बढ़े, इस 3 को करूंगा तो माइनस का 3, इसको करूंगा तो 6, इसको करूंगा तो 3। भाई वीडियो को लाइक करते रहना साथ साथ, ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, तुम्हारा काम है शेयर करना, बच्चों को लेके आना। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं होगी ना? ए बी को इंटू कर रहे हैं तो यहां पर आ गया ये, इसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया। ठीक है, इसके बाद माइनस का 4 तो ये आ गया प्लस का 4, यहाँ पर आ गया 8, और यहाँ पर आ गया माइनस का 4, फिर इसके बाद 3 माइनस का, फिर ये आ गया 6, और ये आ गया 3। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक, अब ए बी का ट्रांसपोज करते हैं, इसका क्या करते हैं? पूरे का ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो ट्रांसपोज कर रहे तो क्या आएगा? माइनस का 1 2 1, 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस का 3 6 और 3, ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। अब बात करते हैं कि बी का ट्रांसपोज, अब करते हैं बी का ट्रांसपोज, फिर ए का करते हैं, फिर उसके बाद इनटू करते हैं, तो यही यही कर लेते हैं। बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस का 2 1, ठीक है, और ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास, इसको लिटा दो, 1 माइनस 4 और 3, इन दोनों को इनटू कर लेते हैं, तो मेरे यहां पर क्या आ जाएगा? ये मेरा क्या है? ये मेरा राइट हैंड साइड, और ये मेरा चल रहा है, सॉरी, ये है राइट हैंड साइड और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड। देखो लिखा सही है, बोल गलत रहा हूं। B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज इनटू करना है। अब सुनना भाई, ऊपर देखते जाना और मन लगा के देखते जाना कैसे है। इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ इनटू करना है। माइनस का 1 करूंगा तो माइनस का 1, ठीक,
फिर करूंगा तो प्लस का 4, फिर करूंगा तो माइनस का 3, फिर करूंगा तो 2 माइनस का 8, फिर करूंगा तो 6 और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 4 और 3। देखो ऑटोमेटिकली क्या एक दूसरे के इक्वल है, ही इक्वल है भाई। तो इट मींस ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि अगर ए बी को इनटू करो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, हरदम क्या होगा एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट करते हैं इसी का ही, या फिर खुद कर लोगे सीधा 6 पे पहुंचे। ठीक है, बट यूट्यूब है, एक एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, तो करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, वैसे अगर क्लास होती तो ऑब्वियस सी बात है ऑफलाइन बैच होता तो गारंटेड क्या करते, दोबारा करवा देते हैं ना, बच्चे ही कर देते हैं। चलो भैया, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये हमारा चल रहा है फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। तो ए मैट्रिक्स मेरे को दे रखी है 0 1 2, और बी दे रखा है हमारे को 1 5 7। तो मुझे ए और बी निकालना है। पहले मैं क्या करूंगा, ए भी निकाल लेता हूँ, या फिर पहले मैं ए डैश निकाल रहा हूँ। ए डैश निकालूंगा तो सीधा क्या आ जाएगा 0 1 2, और बी डैश निकालूंगा तो 1 5 और 7। डन। अब ए बी ऐसा कर लेते हैं यहां पर ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं ऐसे, यहां पर तो कर देंगे इन दोनों का इंटू, और यहां कर देंगे इन दोनों का इंटू। ठीक है, चलो भाई करें इंटू, फिर इसको इंटू करते हैं फटाफट। अब देखना, मैं लिख रहा हूं ए ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले ए और बी निकाल देता हूँ, ए बी निकालता हूँ तो क्या करूंगा, ये मेरी मैट्रिक्स है। ठीक, इसको इससे करूंगा तो 0, फिर इसके साथ करूंगा तो 0, इसके साथ करूंगा तो 0, ये क्या हो गए 3 और 0 हो गए। डन। फिर इसके साथ करूंगा तो 1 5 7, फिर इसके साथ करूंगा तो 2 10 14, और इसका ट्रांसपोज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 0 0 0 1 5 7 2 10 14। समझ आ गई बात, यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़े, इसको इससे इनटू करना है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज डायरेक्ट आएगा। चलो वही करते हैं, है ना। हाँ जी, सॉरी उल्टा लिख दिया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है, इसको इससे इनटू करना है। ठीक है, अभी देखते जाना। देखो अगर मैं इसको इस वाली चीज को इससे करूंगा तो पहले क्या आ जाएगा 0 1 2, ठीक है, फिर करूंगा तो 0 5 10, और फिर करूंगा तो फिर आ जाएगा हमारा 0 7 और 14। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। देखो इक्वल है, इट मींस ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ये हम कर चुके हैं सेटिस्फाई, सेकंड क्वेश्चन में हमें चेक करना था। अब हम चलते हैं सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन, एक बार वीडियो चेक कर लीजिए कितने मिनट की बन चुकी है। ठीक है, तो चेक करते हैं। चलो भाई कोई नहीं, छठा क्वेश्चन करा देते हैं, कितनी बड़ी बनो। ठीक है, छठा क्वेश्चन करवा देते हैं, अब लग ही गए हैं तो छठे क्वेश्चन को खत्म करके ही आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो छठे क्वेश्चन का कंप्लीट कराते हैं, सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट, सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं स्टूडेंट। सुनना क्या है, मेरे को ए दे रखा है, ए क्या है मेरा, ए है मेरा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा फिर आएगा कोस अल्फा, फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इजिकल टू आई। ठीक है, देखो भाई मैथ के स्टूडेंट हो, एक पहेली पूछ लूं, चलो मैं पूछ ही लेता हूं। मुझे बस ये बता दो कि ऑक्सीजन भी है एनवायरनमेंट में, हाइड्रोजन भी है, तो फिर पानी क्यों नहीं बना पा रहे हम, और पानी तो बनता उसी से ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो बता देना भाई, 12th क्लास में पहुंच गए, नॉन मेडिकल स्टूडेंट होंगे कोई ना कोई। भाई ए है, ए का ट्रांसपोज निकाल लो पहले, ए ट्रांसपोज को ए से इनटू करना है, यही है ना। ठीक है, हाँ जी बस यही है भाई, पहले मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ इसका, ए ट्रांसपोज कोस अल्फा, ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा साइन अल्फा, और फिर क्या आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, और आ जाएगा यहाँ पर कोस अल्फा, और मेरे पास ये इस तरीका है, इन दोनों को इनटू करना है, इन दोनों को इनटू करना है। चलो भाई इनटू करते हैं, अब इनटू करके यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, ए ट्रांसपोज इनटू ए, देखो क्या क्या आता है, का है भाई ए ट्रांसपोज, इसको इसके साथ करना है। ठीक है, अब देखो कोस अल्फा, कोस अल्फा क्या आ जाएगा, कोस
स्क्वायर अल्फा, ठीक है डन। माइनस का साइन है प्लस का साइन है, दोनों को इनटू करूंगा तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा डन। इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा सुनना, इसके बाद इसी इस वाली ब्रैकेट को हो गए ना, ये वाली इस वाली को इसके साथ करेंगे हम, इस वाली को इसके साथ, ये उल्टा लिखते हैं थोड़ा सा, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का, फिर इसी को इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा। हाँ जी चलो भाई ठीक है, अब सुनते हैं। देखो पहली बात तो इसको पकड़ा मैंने ए ट्रांसपोज के साथ करना है, इसको पकड़ा इसके साथ करा, इसको पकड़ा इसके साथ करा, तो इसके साथ करा तो कोस अल्फा आ गया, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक है। इसके बाद इसको करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कोस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, ठीक। फिर इसके साथ इसको इसके साथ करेंगे तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, ठीक है। इसके बाद देखो ये एक प्लस का एक माइनस का, दोनों सेम है कट गया, ये प्लस का माइनस का कट गया, तो ये क्या आ गया जीरो आ गया, यहाँ पर भी जीरो आ गया, यहाँ पर भी जीरो आ गया। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है वन, और ये भी क्या होता है वन। प्रूफ क्या करना था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करनी थी, क्या प्रूफ करनी थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हो गई प्रूफ 1 0 1 0, यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट, अब हम चलेंगे सिक्स्थ के सेकंड पार्ट में, क्या चलेंगे सिक्स्थ के सेकंड पार्ट में, ठीक है। अब आगे बढ़े, सेम ही क्वेश्चन है तो नहीं नहीं अलग अलग है भाई, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, यही प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया, यहां पर देख लेते हैं क्या है। अच्छा यहां साइन है, यहां पर क्या है साइन अल्फा है, यहां पर क्या है माइनस का कोस अल्फा है, ठीक है। और यहां पर क्या है, सारी जगह चेंज है क्या, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा कोस अल्फा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो भाई इन दोनों को इंटू करते हैं, क्या करते हैं इन दोनों को इंटू करते हैं। सबसे पहली बात ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूं मैं, क्या निकाल लेता हूं ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है, माइनस का कोस अल्फा, ठीक। और ये क्या आ जाएगा साइन अल्फा, फिर इनटू में क्या चल रहा है हमारा, इनटू में चल रहा है मेरा साइन अल्फा और कोस अल्फा और माइनस का कोस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दिया मैंने इनटू कर दिया, इन दोनों को इनटू करने के बाद क्या आएगा, ये मेरा ए है, ठीक है, इन दोनों को इनटू कर रहा हूं। अब देखना क्या क्या आएगा, सुनना भाई, इस वाली को इसके साथ करूंगा तो साइन साइन कोस कोस, ठीक। और दोनों को इनटू करूंगा तो क्या आ जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है भाई आ गया। इसको इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा, इसके इसके साथ करूंगा तो माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा, ठीक। इसको इसके साथ करूंगा तो क्या कहते हैं साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और यहां करूंगा तो वही साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है डन। इसके बाद ये क्या है मेरा, ये है मेरा वन, ये कट जाएगा जीरो आ गया, ये कट जाएगा जीरो आ गया, ये क्या है मेरा वन। तो यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, कितनी 1 0 1 0 1, ये क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये वीडियो यहीं तक ही समाप्त, ठीक है। तो आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, बाय बाय, थैंक यू।